अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो फ्री फायर। तो गाइस आज जो है ना यार तुम लोगों को काफ़ी अपडेट्स भी देनी है फ्री फायर में, जो न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, और उसके बाद जो है हम एक छोटा सा मैच भी खेल ही लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं तुम लोगों को कुछ अपडेट्स दे दूँ जो फ्री फायर में न्यू आई है। अब तुम लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ग्रैंड प्राइज जो आया है वो मतलब 10 फेब से स्टार्ट है और 16 फेब तक है, तो तुम लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो, इस पर जो है बहुत सारे प्राइजेज जीत सकते हो। तो ये एक तरीके का लकी व्हील है, तो इसमें जो है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्या करना है, डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो पहली बार अगर तुम लोग करोगे तो फ्री में मिलेगा, तो फ्री वाला तुम हर कोई लेने आ जाता है फ्री में। तो फ्री का ये देखो फ्री ड्रॉ है फर्स्ट टाइम अगर तुम लोग करोगे, और तुम लोग जो है ये मार्केट है, तो यहाँ से तुम लोग अगर कुछ बाय करना चाहते हो तो 80% 70% 60% जितना आके रुकता है। तो अभी देखो मेरा 70% रुका है, तो मुझे देखो 70% डिस्काउंट मिल चुका है तमाम, मतलब जितनी भी चीज़ें ना, तो मुझे मैं जितनी भी परचेस करूँगा उस पर मुझे हर चीज़ पर 70% डिस्काउंट है। और फर्स्ट टाइम तुम लोग जो है रिफ्रेश भी कर सकते हो, भाई के पास डायमंड बहुत हैं, तो सोच रहा हूँ ख़रीद लूँ, लेकिन कीड़ा जाग रहा है, लेकिन कीड़ा करना नहीं है। तो फर्स्ट टाइम फ्री रिफ्रेश होता है, तो तुम लोग वो भी कर सकते हो अगर इस लिस्ट में तुम लोगों की पसंदीदा कोई चीज़ नहीं है, तो रिफ्रेश करके दूसरी ले लो। तो ये मुझे लेनी थी क्रोनो की बाइक है ना, क्योंकि ये मुझे उस टाइम पे फ्री में मिली नहीं थी, तो मैं अब ले लेता हूँ। खैर अब तुम लोगों को ये देखो बहुत सारे इसमें प्राइस पूल हैं, तो तुम लोग जीत सकते हो, बहुत इजी है, फर्स्ट टाइम फ्री वाला है, फ्री ड्रॉ तो कर ही सकते हो। तो चलो अभी तुम लोगों को सेकंड अपडेट दे देता हूँ कि भाई सेकंड अपडेट तुम लोगों का पता ही होगा कि गेट P90 ऐप है, तो इसमें तुम लोगों ने जो है टास्क कंप्लीट करने और बहुत सारे प्राइज जीत सकते हो। और सर्वाइवल सीजन 13 भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर तुम लोगों को नहीं पता कि इसमें क्या होता है, तो तुम लोग जो है अपने अपने रीजन से कंपटीशन कर सकते हो और बहुत सारे प्राइजेज जीत सकते हो। ये देखो जिसको जिस रीजन से तुम लोग हो, तुम वो रीजन सेलेक्ट करो, फॉर्म फिल करना बहुत ईजी है। ये देखो हाउ टू ज्वाइन रीजन कॉम्पिटिशन सब तुम लोग को इन गेम मिल जाएगा, तो जाओ तुम लोग जिस रीजन से हो करो और खेलो और प्राइजेस जीतो। 30 स्किन है और 30 फ्री फायर वेपन है इन 30 डेज, तो काफ़ी अच्छा होता है तुम लोगों के लिए, इजी है। और यार सॉरी एक तो ये रिक्वेस्ट आती रहती ना, और इस लोग इसका तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई विशिंग स्टोर चल रहा है, मतलब कि 9 डायमंड्स हैं तुम लोगों के पास, तो तुम लोग उससे भी कुछ ना कुछ परचेस कर सकते हो, तो ये भी अच्छा है। अब ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि 500 डायमंड्स हो या 100 डायमंड्स हो, तो तुम लोग के पास अगर 9 डायमंड्स भी हैं कम भी हैं, तो तुम लोग वहाँ से कुछ भी परचेस कर सकते हो। ये देखो लो रेट है सबसे 9 डायमंड का, तो इसमें जो है ये टोकन्स हैं, जो ये बैट बॉल बना हुआ है ये एक्चुअली ये टोकन्स है, तो ये तुम लोग को मिलेंगे, तुम इनको एक्सचेंज भी कर सकते हो अपने किसी आइटम लेने के लिए। तो ये देखो अभी मैंने कराया लो रेट में 9 डायमंड्स का, तो मुझे जो है 4 टोकन मिल चुके हैं, तो इनको जो है मैं एक्सचेंज भी कर सकता हूँ बराबर में, तुम लोग देख सकते हो एक्सचेंज रेट है। और अगर तुम लोग हाई रेट वाला करोगे, तुम लोग के जीतने के चांसेस बहुत हो सकते हैं, क्योंकि हाई रेट पर टोकन जो है और प्राइस 1-3 टोटल हैं। तो ये देखो यहाँ पर तुम लोग अपने टोकन जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो अभी 4 ही हैं, और 4 के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो खैर अभी हम लोग नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं, लॉगिन बिकम बड़ा जो ये तुम लोग देख ही सकते हो, बहुत पुराना है। तो अगर ये भी टास्क की अगर तुम लोग टास्क करोगे तो तुम लोगों को प्राइजेस मिलेंगे, और ये भी एक टास्क है बैटल रॉक जिसमें से तुम लोगों को गंद स्किन वगैरह मिलेंगी, और टॉप अप करवाओगे तो जोसेफ कैरेक्टर वो मिलेगा। ओके तो एपिसोड 33 का तुम लोगों को पता ही होगा फ्यूजी फॉल्कलोर जो वो चल रहा है इवेंट, तो उसमें तुम लोग जो है 2 डायमंड वाउचर भी जीत सकते हो अगर तुम लोग इस साल तुम लोगों ने 2 इलाइट पास यूज़ करें और 4 इलाइट पास यूज़ करें, तो 4 डायमंड वाउचर जीत सकते हो और 6 इलाइट पासेस भी जीत सकते हो। और FFPL का जो है वो कंपटीशन भी चल ही रहा है ई-स्पोर्ट में, तो तुम लोगों को अगर नहीं पता तो फ्री फायर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को लाइक कर लो, वहाँ से तुम लोग कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे। ये सर्वाइवल रीजन 13 आ गया, सीज़न 13 एक तो मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ ना, तो यार उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो इसमें भी सारी डिटेल है कि तुम लोग कैसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और किस तरह तुम लोग कॉम्पिटिशन जीत सकते हो और क्या क्या प्राइजेस हैं। बाकी तो यही था रिडीम कोड का ये, और इसका तो मेरे पास शायद ये मेरे लिए नहीं है, अगर किसी के पास गिफ्ट रिडीम कोड पड़ा हुआ तो वो यहाँ से कर सकता है, इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा। तो खैर अभी जो है अपन गेम की तरफ चलते हैं और क्लैश स्क्वाड खेलते हैं। ओके गाइस तो मैं जो है क्लैश स्क्वाड में आ चुका हूँ, और आज मैं पूरी मतलब कि यार मैं सोच रहा था कि एक चैलेंजिंग गेम करते हैं कि क्यों ना यार आज सिर्फ पिस्टल चलाएं, मतलब G18 जो ग्लॉक है ग्लॉक 18 से वही यूज़ करें, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं मरूँ ना, और कोशिश करने से क्या जाता है,
मरता तो बंदा मर ही जाता है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि मरूँ ना और इससे मैं अच्छे खासे बंदे ट्राई करूँ। वैसे मुश्किल है क्योंकि सामने जो एनिमीज होंगी फर्स्ट राउंड में, तो चलो उनके पास ग्लॉक 18 ही होगी, लेकिन एक ही मेरे सामने जा रहा था, इससे निपट लूँ, बाद में तुम लोगों से बात करता हूँ। ओके, यहाँ पीछे से आएगा जितना मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आया वो। फर्स्ट राउंड में तो आपका भाई निपट लेगा क्योंकि उनके पास भी होता है, और सामने मैं इसको भी लिटाता हूँ ज़रा, इसने मेरे बंदे को लिटा दिया। ओहो शुक्र बचत, चलो भाई इसको हमने लिटा दिया। एक इसका बंदा सामने भाग रहा है, लेकिन मैं इसको पूरा मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक जा, तुझे बाद में रिवाइव करता हूँ, ज़रा इसको भी लिटाऊँ। ओके ग्लॉक 18 तो अभी तक अपनी सबसे ज़बरदस्त चल रही है यार, पता नहीं मैं क्यों इतनी तेज़ बोल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम भी लेटो, आपके भाई ने 3 लिटा दिए यार हंसते खेलते। चौथा बंदा बचा, चौथा बंदा किधर है, आखिरी बंदा बचा इनका। और यार ये मैंने कौन सी गन ले ली, डीगल ले ली। अरे यार ये क्यों ले ली, ग्लॉक सही है। अरे ये रहा, कहाँ मार रहा भाई, ये रहा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे यार अभी तक मैं सही चल रहा हूँ। ओहो भाई चारों एनिमीज आपके भाई ने किल करे ग्लॉक 18 से, देख रहे हो कितना खतरनाक गेम खेला आपके भाई ने। चलो खैर राउंड 2 आ चुका और ये मुश्किल हो सकता है, और अभी भी मैं ग्लॉक 18 ही यूज़ करूँगा। तो चलो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस राउंड में टिक पाऊँगा, क्योंकि सामने वाले एनिमीज के पास जो है वो जाहिर सी बात है अच्छी अच्छी गन्स होंगी, स्कारल और थॉमसन वगैरह। तो लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये भी नहीं करूँगा कि मैं कैंपिंग करूँ या उनसे छुपूँ, लड़ूँगा बराबर, मर गए तो मर गए। चलो भाई ग्लॉक 18 अपने पास है, और मैंने ना वेस्ट ली हुई है ना हेलमेट ली हुई है। अब ये भी देखो, मतलब एक आपका भाई फुल चैलेंजिंग गेम खेल रहा है, और एक बंदा ये सामने भाग रहा है, और मेरी जो ग्लॉक 18 है इसकी रेंज कम है, जाहिर सी बात है एबिलिटी तो यार आपका भाई यूज़ करेगा ना, क्योंकि अब इतना भी कोई चैम्पियन नहीं हो। एक हमारे बंदे ने मार दिया और दूसरा भी डाउन हो गया, दो एनिमीज बचे। अब ग्लॉक 18 की इतनी रेंज नहीं है बंदा, अरे सामने से मार रहा है, और मेरी गोलियां जो है उस पर बहुत कम पहुंच रही होंगी, और उसने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया। मैं अपने आप को हील कर लूँ ज़रा, जब तक मेरे टीममेट्स ही उससे निपट लेंगे। ओके तो भाई सामने जो है एक ही एनिमी बचा है, 3 उनके किल हो चुके हैं, और एक पता नहीं किधर है यार, एक किधर है, मेरे ख्याल से ऊपर होगा, हाँ ऊपर है, क्योंकि उसने अभी क्रोनो एबिलिटी। अरे ये नीचे आ गया, अरे अरे मेरे पास बुलेट्स ही नहीं है, बुलेट्स ही आपका भाई रीलोड पर था और बुलेट्स ही नहीं, एंड थी और विक्ट्री हो गई है। मतलब देखो मैं मरा नहीं हूँ, अभी भी बंदा रिवाइव कर रहा है और मैं रिवाइव हो गया हूँ, लेकिन खेला मैंने सही क्योंकि वो तो बुलेट्स एंड हो गई थी ना यार। चलो अभी भी ग्लॉक 18 ही यूज़ करेंगे। अब मैं हेलमेट ले लूँगा और मशरूम्स खा लेते हैं, काम आती है। सब ले लूँगा, ग्लू वॉल भी लूँगा। ओके भाई तो ग्लॉक 18 है, थर्ड राउंड है, चलो अब ट्राई करते हैं। ग्लू वॉल की स्किन तो यार अच्छी आ रही है मेरे पास, फौजी वाली मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास ये वाली, क्योंकि मैं ग्लू वॉल यूज़ नहीं करता, लेकिन चलो अच्छी लग रही है। ये क्या सीन है भाई, स्किन तो कोई और सी आ रही थी, लगाई कोई और सी, लेकिन हम सामने ज़रा बंदा निपटा लूँगा, क्योंकि अपन ग्लॉक 18 चला रहे हैं और फुल डैमेज मिल रहा है हमें, और एबिलिटी यूज़ करके मैं हील अभी नहीं करूँगा, हील है मेरे पास, और मैं ज़रा भागूँ। मतलब भाई मुश्किल हो रहा है क्योंकि सामने एनिमीज़ के पास अच्छी अच्छी गन्स हैं और अपने पास नहीं है। तो एक बंदा तो पीछे, इसको ज़रा यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे भी फाइट हो रही है, यहाँ पे भी एक बंदा है, मतलब उन लोगों के अभी शायद, हाँ उसके उनके जो है 3 अलाइव हैं अभी। इसने इसको मार दिया हमारे टीममेट ने पीछे जो था इसको, अरे मैंने ये ले ली, लेकिन मैं इसको चलाऊँगा नहीं, आ गए गलती से आ गए, चलाऊँगा नहीं मैं, मारूँगा ग्लॉक 18 से, टेंशन ले लो। ये देखो ये मैंने डैमेज दिया कि पता नहीं इसको किसने दिया, मुझे नहीं पता, शायद मैंने नहीं मारा क्योंकि ग्लॉक 18 इतनी दूर तक नहीं जा सकती। विक्ट्री हो चुकी है राउंड 3 में, और ये मैंने ऑक ड्रॉप कर दी। शिपयार्ड में अपना 4th है, नहीं 3rd है। ओके ग्लॉक 18 ही चला रहा हूँ भाई मैं अभी भी। मशरूम्स खा ले, हेमलेट पहन लिया, अब चलते हैं आगे। ग्लॉक 18 है भाई, वैसे मुश्किल हो रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि एक चैलेंजिंग गेम है। और देखो अब मैं, अगर तुम लोग कहते हो तो भाई नेक्स्ट वीडियो जो है वो ओनली शॉटगन चैलेंज करेंगे, इससे जो है अच्छा रहेगा क्योंकि मेरी भी शॉटगन की थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं सोचता बहुत हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता, तो अगर तुम लोग कहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में वो कर सकते हैं ओनली शॉटगन चैलेंज। और सामने एक बंदा है, इसको मैंने डैमेज दिया और वो भागा छुप के, तो अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक बंदा वो ऊपर भागा है,
लेकिन अपनी ग्लॉक 18 की इतनी एमिंग अच्छी है नहीं, इतना मतलब इतनी रेंज नहीं है, तो वहाँ तक ये पहुँचेगी नहीं। तो एक वो सामने बिल्कुल पीछे से अटैक करेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वहाँ नहीं जाऊँ क्योंकि उसके पास अच्छी गन भी हो सकती है। तो हम नीचे से थोड़ा राइट साइड से कवर लेते हुए जाते हैं, बाकी अपने टीममेट उसको देख लेंगे। और विक्ट्री हो गई, मतलब बूया भी हो गया भाई। देखा क्या ख़तरनाक गेम खेला है, मरा मैं एक बार भी नहीं हूँ। हाँ नॉक हुआ था लेकिन रिवाइव हो गया था। तो ये वाला गेम जो है वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक चैलेंजिंग गेम था। अगर तुम लोग चाहते हो शॉर्ट गन का या किसी और गन का तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे नई मैक 17 गन है ये शॉर्ट गन, तो उस पर भी कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग ये वाली वीडियो पसंद आई ना तो लाइक मार देना, और चैनल बन नए हो तो सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ रेड वाला भाई, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।